हेलो दोस्तों नमस्कार उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे फिर से एक नए वीडियो में हाजिर हूं आज का जो वीडियो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का जो वीडियो है लेजियन नेटवर्क पर है दोस्तों लेजियन नेटवर्क काफ़ी पुराना एयर ड्रॉप है चार पाँच मंथ पहले का है और अभी भी वो धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है वैसे तो ये वीडियो पुराने यूज़र के लिए है लेकिन अगर आप नए यूज़र हैं देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये भी वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि लेजी नेटवर्क के जो कॉइन है वो कैसे स्वैप होता है कहाँ पर लिस्ट है ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगी पुराने जो यूज़र हैं उन्होंने एड्रेस क्रिएट करा है पहले प्राइवेट की मिलता था अभी अगर क्रिएट एड्रेस करते हैं V2 एप्लीकेशन आ चुका है यानी पहला वर्जन V1 था और अभी V2 एप्लीकेशन आ चुका है अपग्रेड वर्जन आ चुका है तो इसमें अगर वॉलेट क्रिएट करेंगे तो इसमें प्राइवेट की नहीं मिलता है इसमें 12 वर्ड का शीड मिलता है उससे लॉग इन होता है तो इसी सब के बारे में ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि यहाँ पर बताया जाने वाला सभी चीज़ इंटरनेट से लिया गया कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें किसी भी चीज़ के लिए हम गारंटी नहीं दे सकते तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं लेजियर नेटवर्क क्या है लेजियर नेटवर्क कुछ टाइम पहले अभी बी चैन पर एक क्रिप्टो करेंसी है लॉन्च हुई एयर ड्रॉप काफ़ी लोगों को मिला है उनका एप्लीकेशन है खुद का तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि बहुत सारे यूज़र को पंद्रह सौ अठारह सौ दो हज़ार पच्चीस सौ चार हज़ार क्वाइन से मिले हैं और ये लॉन्च भी हो चुका है काफ़ी बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट हो चुका है अनगिनत एक्सरचेंजों पर चार से एक्सचेंजों पर लिस्ट भी हो चुका है लेकिन समस्या यहाँ हुई कि जिनको फ्री एयर ड्रॉप मिला था अभी तक उनकी अनलॉक नहीं हुए हैं और अनलॉक हुए भी हैं तो बहुत ही माइनर या यू कहो कि बहुत थोड़ा सा ठीक है यानी कि सेल नहीं कर पाए एक समय था जो लेजर नेटवर्क जब लॉन्च हुआ तो उसकी प्राइस बीस रुपये पच्चीस रुपये पचास रुपये तक भी रनअप करती थी ठीक है लेकिन उस टाइम किसी को भी वो फ्री एयर ड्रॉप अनलॉक करके दिया नहीं गया ताकि वो सेल कर पाए किसी को कोई खास प्रॉफिट नहीं मिला उसके बाद मार्केट धीरे धीरे डंप करे सात आठ महीने से मार्केट धीरे धीरे डंप ही कर रही है और आज के समय मार्केट स्टेबल है, है काफ़ी कुछ ट्रेड भी मिल रहा है तो इस समय जो इसकी प्राइस है लेजर नेटवर्क की लगभग लगभग आ चुका है सवा रुपए के आसपास मतलब दो रुपए से भी घट करके नीचे आ चुका है हालांकि ये कॉइंस हैं कभी भी दस रुपये भी जा सकते हैं और लेजियर नेटवर्क काम तो देख करके ऐसा लगता है कि काफ़ी कुछ अच्छा करेगा क्योंकि कम्युनिटी काफ़ी अच्छी है और टेलीग्राम पर यूज़र काफ़ी हैं ट्विटर पर काफ़ी यूज़र हैं तो इससे पता चलता है कि आज अगर दो रुपये सवा रुपये इनके कॉइन के प्राइस है तो कल दस रुपये भी जा सकते हैं और जिनको एयर ड्रॉप मिला है ये थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो ये अपना कैश कर पाएंगे दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो यहाँ पर अप्लीकेशन है इसको हम लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ कॉइन हमारे पास 125 सौ पच्चीस कॉइन टोटल अभी तक अनलॉक है मेरे मेरे पास मेरे वॉलेट में टोटल 1400 सौ कॉन मिले थे सब कुछ साइनअप का रेफर का सब कुछ मिला के चौदह जिसमें से अभी तक मात्र 125 सौ पच्चीस कॉइन यॉक हो पाए हैं हर महीने की 20 तारीख को अनलॉक होता है लेकिन कभी कभी अनलॉक नहीं होता है तो वो अगले मंथ हो जाता है लेकिन इनका कुछ भरोसा नहीं है कभी देते हैं कभी नहीं देते हैं और यही वजह है कि अभी तक इतना लेट हो चुका क्योंकि जो एयर ड्रॉप देता है जो जेन्यन एयर ड्रॉप होते हैं उनकी पहचान होती है कि वो दे देते हैं आप कभी भी जाके सेल करो जैसे टी डब्ल्यू टी एयर ड्रॉप सिप्फल एयर ड्रॉप चेंज फाइनेंस एयर ड्रॉप अभी देखो पाई नेटवर्क काफ़ी अच्छा मार्केट में उसका धमाल चल रहा है क्योंकि पाई का मेन नेट आ गया जिसके पास पाई का अप्लीकेशन है वो लोग माइनिंग जारी रखो फायदा मिल सकता है आप लोगों को काफ़ी अच्छा तो चलिए लेजर नेटवर्क की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मेन समस्या कहाँ है इस एप्लीकेशन में अनलॉक कैसे होगा यहां पर आप नीचे साइड में देखिए एक वॉलेट है संजो से आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये अभी आधे घंटे पहले यह एप्लीकेशन मेंटेनेंस में जा चुका है ये वॉलेट सेक्शन बाकी सारा काम कर रहा है तो वॉलेट सेक्शन में हम आपको बताएंगे क्या कैसे करना है इस वॉलेट सेक्शन में जाओगे तो यहां पर क्या होगा कि आपको अगर आप पुराने यूजर हैं यानी कि दो चार मंथ पहले वाले यूजर हैं अगर आपने वॉलेट एड्रेस उस समय भी क्रिएट हो रहा था और कंपनी की तरफ से अपडेट आया था कि आप इसमें वॉलेट एड्रेस क्रिएट कर लो और जो वॉलेट एड्रेस मिलेगा उसको सेव कर लेना प्राइवेट की भी सेव करना और प्राइवेट की भी आप ट्रस्ट वॉलेट या कहीं भी बी एस सी चैन का जो भी वॉलेट है वहाँ पर उसको सेव भी कर सकते हो या कहीं अपना डायरी में नोट कर सकते हो तो हमने इस पर वीडियो भी क्रिएट करा बहुत सारे लोगों ने वीडियो मेक किया इस पर और आपके इसी चैनल पर इसका फर्स्ट वाला वीडियो मिल जाएगा उसको भी आप देख लेना समझ जाओगे तो प्राइवेट की यानी कि जब पहले वी वन अप्लीकेशन था फर्स्ट वर्जन तो उसमें इसको क्लेम करने के लिए प्राइवेट की मिलता था यानी कि जब एड्रेस आप जनरेट करते थे लेकिन अभी के टाइम जब वी टू एप्लीकेशन आ गया तो यहाँ पर अगर आप क्रिएट करते हो तो आपको बारह वर्ड का सीड मिलता है अब समस्या से ये हो गई अब सीड लेके इंपोर्ट करोगे या प्राइवेट की से इंपोर्ट करोगे तो अगर अभी नया वॉलेट इंपोर्ट करते हो यानी कि जो नया वी टू अप्लीकेशन है इसको अपडेट करोगे तो वी टू यही एप्लीकेशन बन जाएगा ठीक है प्ले स्टोर से अपडेट कर लेना कोई अलग वी वन वी टू का अलग एप्लीकेशन नहीं है एक ही एप्लीकेशन है पहले वी वन था अब अपग्रेड होकर वी टू बन चुका है तो समस्या यहाँ है कि अभी आप इसके वॉलेट में जाओगे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेगा एक तो क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा एक इम्पोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा तो अगर आप चाहोगे कि हम पुराना वॉलेट को यहाँ पर इंपोर्ट करें तो उसके लिए सीड देना पड़ेगा जो कि सीड नहीं है तो आपके पास प्राइवेट की है तो प्राइवेट की से उसको इंपोर्ट कर लेना नया वॉलेट बना लेना जिन लोगों ने पहले कोई एड्रेस क्रिएट नहीं करा था वे लोग अभी नया वॉलेट बनाएंगे तो आपको क्या करना है कि क्रिएट पे करना है बारह वर्ड का शीड मिलेगा उसको सेव कर लेना है चाहो तो उसी वर्ड को आप ट्रस्ट वॉलेट में भी उस एड्रेस को इंपोर्ट कर सकते हो तो यहाँ पर आपका दो वॉलेट इंपोर्ट हो जाएगा पुराने यूज़र का नए वालों का एक वॉलेट होगा ठीक है तो पुराने वाले क्या करेंगे कि नया भी बना सकते हैं वी वन वी टू देखिए अभी इस वॉलेट में तो हम कंप्लीट नहीं दिखा सकते क्योंकि जैसे ओपन करेंगे आप आप देख पा रहे हो कि एप्लीकेशन आउट हो गया तो हम इसको फिर से ओपन कर लेते हैं ठीक है और हम यहाँ पर आप दिखाएंगे कि जो वॉलेट ओपन करोगे तो यहाँ पर कैसे आपको दिखेगा हम मेटामास्क में चलते हैं मेटामास्क जैसे ओपन करोगे आप इसमें चले जाना तो जैसे आप लेजेंड नेटवर्क का ओपन करोगे तो यहाँ पर ऐसे पॉइंटर सेम उसके वॉलेट में मिलेगा ठीक है तो पॉइंटर वन पॉइंटर टू तो सेलेक्ट कर सकते हो दोनों पर जाओगे या पॉइंट और थ्री भी कर सकते हो जो भी करना है उसमें कर सकते हो जाहिर सी बात है कि आपके पास पहले प्राइवेट की है तो उसको इंपोर्ट करोगे फिर एक नया भी बना सकते हो नया तो नए वालों के लिए बहुत ज़रूरी है पुराने वालों के लिए पहला वाला जरूरी है क्योंकि पहला वाला इसलिए जरूरी है कि याद करो कि जो साइनअप के चौंतीस कॉइन मिले थे सबको उसमें से दस परसेंट अनलाक हैं तो अनलॉक वाले कॉइन आपके पहले प्राइवेट की वाले पर ही गया वो कैसे पता करोगे फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं कि हमने उस समय जब क्रिएट करा था तो टेस्ट वॉलेट में उसको हमने शेव भी करा था ठीक है ये आप देख सकते हो वही एड्रेस लेजियन का जो सबसे पहले वाला जब वॉलेट क्रिएट हुआ था तो उसको मैंने उस प्राइवेट क्यों को मैंने ट्रस्ट वॉलेट में भी इंस्टॉल कर लिया ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा क्लेम उसी पर आ रहा है बार बार ये और ये क्लेम जाके करना पड़ता है अपने आप नहीं आता है चलिए यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं लेजियन नेटवर्क और यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मेरा एक सौ है और इसी वॉलेट में आपको क्या करना है कि अगर आप पहले एड्रेस कंप्लीट किए हो प्राइवेट की आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पर जाके इंपोर्ट कर लीजिए नहीं अवेलेबल है तो नया बना लीजिए सीट से बन जाएगा और इंपोर्ट भी हो जाएगा ध्यान दीजिए कि जिसको जिसको 10 परसेंट कम्प्लीट मिल चुका है बहुत पहले चौंतीस साइनअप कॉइन से 10 परसेंट रिलीज होकर मिल चुका है तो आपको तो पुराने पर भी मिलेगा पुराने पर ही लेना पड़ेगा नहीं पता चला कि एक बार पुराने पर ले रहे हो एक बार नए पर ले रहे हो पता चला दोनों डिसबैलेंस हो गया तो एक पर भी नहीं मिलेगा ठीक है तो काफ़ी लोगों ने बनाया भी है नहीं बनाया है तो आपने नया बना लेना है और अगर पुराने यूज़र हो आपने प्राइवेट की सेव कर रखा है तो भी नया बना सकते हो लेकिन क्लेम करते वक्त यहाँ पर वॉलेट में सेलेक्ट वन कर लेना और अगर आपने कभी नहीं बनाया है यानी कि नए यूज़र हो एयर ड्रॉप आपने हालांकि ज्वाइन कर रखा है लेकिन इंपोर्ट एड्रेस कभी नहीं जनरेट किया था फर्स्ट टाइम तो अभी आप वी में बनाने जा रहे हो तो फिर आप तो वॉलेट सेलेक्ट करके क्लेम करना तो चलिए इस सेक्शन में हम वॉलेट टू वॉलेट वन दोनों कर सकते हैं दोनों इंपोर्ट कर लें जैसे हमारा दोनों इंपोर्ट है तो पहला वाला पर है हम सेलेक्ट करके वॉलेट वन सेलेक्ट करते हैं और जाके क्लेम करते हैं और नए लोग हो जिन्होंने कभी आज तक तो क्लेम ही नहीं किया तो आपको एड्रेस बनाने हैं और वॉलेट एक ही आपका रहेगा वन जाहिर सी बात है पहले नहीं है तो अभी जो बनाओगे यही वन हो जाएगा इसको सेलेक्ट करके क्लेम करना है क्लेम कैसे करना है यहाँ प्रोफाइल में आप जाओगे आप इसको प्रोफाइल में आपका वेरीफाइड होगा नहीं होगा तो आप एडिट प्रोफाइल में कंप्लीट कर लेना ओ वगैरह वेरीफाई करना वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पर आप जाओगे क्लेम पर क्लेम कैसे करना है यहाँ पर कई सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको ठीक है इस तरीके से ऑप्शन मिलेंगे तो आपका सबसे ये लास्ट में जो है वेस्टेज वेस्टेड ठीक है वेस्टेड को क्लिक करना है और इसी को क्लेम कर देना है अभी देखो ये वॉलेट वा, मेंटेनेंस है कंप्लीट काम नहीं कर रहा है लेकिन मैं दिखा दे रहा हूँ सब कुछ तो यहाँ पर वेस्टेड को क्लिक करना है और यहीं पर क्लेम का ये सारे ऑप्शन खुल जाएंगे क्लेम कर लेना आप ठीक है लेकिन हाँ क्लेम करने के पहले उस वॉलेट सेक्शन में चले जाना आप पुराने यूज़र हो तो वॉलेट वन सेलेक्ट कर लेना प्राइवेट की वाला जो बहुत पहले आपने क्रिएट किया है प्राइवेट की आपके पास सेव है काफ़ी लोगों ने प्राइवेट की सेव कर रखा है अभी भी वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो पहला इसका वीडियो देख लीजिए लेजेन वन का पहले काफ़ी पहले भी वीडियो अपलोड किया है मैंने तो उसको देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्योंकि यहाँ दो यहाँ पर दो एड्रेस का खेल हो चुका है एक पुराने यूज़र वालों का एक जिन्होंने आज तक कभी बनाया ही नहीं था सिर्फ ज्वाइन करा था लेकिन बनाया नहीं है तो इनके लिए सेकेंड V2 टू एप्लीकेशन में यानी V2 टू एप्लीकेशन यही है अपग्रेड होकर V2 बन गया तो यहाँ पर आपको नया क्रिएट कर लेना बारह वर्ड का शीड मिलेगा ठीक है इस तरीके से जब भी करना कहने का मतलब एक पुराने वालों को ऑलरेडी टेन परसेंट मिला है तो पहले वॉलेट को ही इम्पोर्ट करना है इसी वजह से हमारा जो है पहला वॉलेट हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं और वही वॉलेट हमने ट्रस्ट वॉलेट में भी अटैच कर रखा है जैसे हम यहाँ क्लेम करते हैं सारे कॉइन ट्रस्ट वॉलेट में ऑटोमेटिक चले जाते हैं ट्रस्ट वॉलेट में हम स्वैप भी कर सकते हैं या उसी ट्रस्ट वॉलेट से या इस, इसी वॉलेट से हम किसी भी एक्सचेंज पर ले जा सकते हैं थोड़ी सी बी की फीस लगती है बाकी इसमें और कुछ नया नहीं है नया होता है या फिर और कुछ इसमें कुछ आता है रन करने लगेगा तो फिर वीडियो बना देंगे अभी हम इस वॉलेट सेक्शन को हम नहीं दिखा सकते क्योंकि अभी मेंटेनेंस में है ये संजोक से देखिए आज ही मेंटेनेंस हुआ अभी तक तो शाम तक इवनिंग तक सही चल रहा था बाकी कोई दिक्कत नहीं है इस वीडियो में अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कर देना कि वॉलेट वन वॉलेट टू क्या दिक्कत है फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि वॉलेट वन उनका है जिनके पास प्राइवेट की ऑलरेडी अवेलेबल है और दस परसेंट कॉइन भी अवेलेबल है उनके पास पहले का दो मंथ पहले वाला ठीक है फर्स्ट टाइम जब उन्होंने क्लेम करा था अगर आपने कभी नहीं क्लेम किया है तो आपको इसी वॉलेट में जाके क्रिएट करना पड़ेगा बी एस चैन का क्योंकि ये लेजियन नेटवर्क जो एल जी एक्स टोकोन ये बी एस चैन का है चलिए थोड़ा सा हम व्हाट्सएप पे आपको दिखा देते हैं यहाँ पर ये आपका लेजिय नेटवर्क का वो है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप इसी को सबसे पहले अपने प्राइवेट की को चाहे वो आपका पुराना प्राइवेट की हो चाहे अभी नया वाला सीड हो इसको ट्रस्ट वॉलेट में भी आप इंस्टॉल कर सकते हो यानी कि इंपोर्ट कर सकते हो तो इस इस जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है इस एल जी एक्स टोकन को वहाँ पर ऐड कर लेना तो वहाँ पर ये आपका यहाँ पर दिख जाएगा डेसिमल वगैरह अठारह है सप्लाई यहाँ पर सब लिखी हुई है लिंक आपको टेलीग्राम पे सारे सब मिल जाएंगे एड्रेस यहाँ पर दिया है यूज़र विल बी वेरीफाइड और अनवेरीफाइड एज सोन दे अपडेट ठीक है यहाँ पर बहुत सारे अपडेट हैं इनका टेलीग्राम पर दिया गया है बाकी उनके टेलीग्राम पे बहुत सारे कंपटीशन प्रोग्राम चलते रहते हैं उसमें आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि वो फ्री वाले अभी कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ पर तो इतना है कि आप पुरानी यूज़र हो तो फर्स्ट वॉलेट सेलेक्ट करके आप क्लेम करिएगा और अगर नए यूज़र हो यानी कि ज्वाइनिंग तो किए थे लेकिन कभी क्लेम नहीं किए थे तो आपको एड्रेस नया बना लेना है और उसको सेलेक्ट करके क्लेम करना है पहले क्योंकि अब तो एप्लीकेशन तो एक ही है आपका ईमेल तो एक ही है ईमेल में साइनअप हुआ है लेकिन एड्रेस दो यहाँ पर बनवाया जा रहा है एक V1 में बनवाया गया एक V2 में बनवाया गया यहाँ पर खेल यही हो गया काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो गए इसी वजह से वीडियो मेक करना पड़ा तो हम तो V2 में भी एक एड्रेस बना लिए हमारे पास सेकंड एड्रेस भी आ चुका है और पहला वाला जो एड्रेस है प्राइवेट के से तो हमने उसी को यानी कि वी वन दो एड्रेस मिलेगा ठीक है जो बाद वाले हैं उनको एक ही मिलेगा जो पहले वाले हैं उनके पास अवेलेबल है नया भी बना सकते हैं तो दो एड्रेस हो जाएगा तो जहाँ पर आपने पहले क्लेम किया उसी को सिलेक्ट करके क्लेम करिएगा तो क्या होगा कि जब सेलेक्ट करके क्लेम करोगे तो ऑलरेडी वो ब्लॉकचेन का वॉलेट आपके इस ई के वॉलेट से ऑलरेडी कनेक्ट हो जाएगा और आपका टोकन भी चला जाएगा ठीक है इस तरीके से जैसे ही इस वॉलेट से इस वॉलेट में यानी कि जो ये एल का एप्लीकेशन है और फिर एल के अंदर जो ब्लॉकचेन का वॉलेट है यानी कि जो भी आपने देखा ये वॉलेट की बात कर रहे हैं एल LG, जी ये एल जी एक्स अप्लीकेशन हो गया और ये आपका इसके अंदर ब्लॉकचेन का वॉलेट हो गया तो इस अप्लीकेशन पर जो साइनअप हुआ है आपका ईमेल के जरिए हुआ है तो इसके अंदर जब इसी वॉलेट में आप एड्रेस बना के क्लेम करोगे तो एप्लीकेशन का जो डमी टोकन है वो ब्लॉक पर ऑटोमेटिक कंपनी के द्वारा इम्पोर्ट कर दिया जाता है यानी कि दे दिया जाता है तो अगर इसी वॉलेट को प्राइवेट की या सीड को टेक्स्ट वॉलेट में या कहीं भी आ, जो भी बी एस सी चैन का वॉलेट है वहाँ पर आप अगर इसको वहाँ पर प्राइवेट के सीड से, से इंपोर्ट करते हो तो यही टोकन आपको वहाँ भी शो करेगा वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो एक एक्साचन पर इस एप्लीकेशन से भी ट्रांसफ़र कर सकते हो बसरते आपको यहाँ पे थोड़ा सा बी एन बी लगेगा वहाँ पर टेस्ट वॉलेट में इंपोर्ट करोगे तो वहाँ पर भी आपको दो चार रुपये का बी एन बी डालना पड़ेगा तो इस तरीके की इस वजह कोई इसमें खास दिक्कत नहीं है अगर किसी को दिक्कत होती है तो फिर से आप कर देना क्योंकि वी टू और वी वन एप्लीकेशन जो है पहले यही वी वन था अब वी टू हो चुका है पहले भी एड्रेस जनरेट करवाया गया अब भी करवाया गया अब किसको कौन सा सेलेक्ट करके कम क्लेम करना है यही थोड़ा सा होच पोच हो गया तो पुराने वाले वन को सेलेक्ट कर लेंगे या दूसरा वाला क्रिएट करना पड़ेगा उनको तभी जाके एक्टिव होता है तो दोनों क्रिएट हो जाएगा दो हो जाएगा पहले वाला पहले वाला इंपोर्ट करना है नया वाला क्रिएट करना है नए यूज़र जो अभी क्रिएट करेंगे उनको तो क्रिएट ही करना है क्रिएट करके उसको लॉग इन कर लेना जैसे ट्रस्ट वॉलेट में होता है अगर किसी को डिसेंट्रलाइज वॉलेट में क्रिएट इंपोर्ट नहीं समझ में आता है तो इसी चैनल पर ट्रस्ट वॉलेट का वीडियो है वहाँ पर आप जाएंगे तो कैसे इम्पोर्ट होता है कैसे एक्सपोर्ट होता है उसको सेव किया जाता है सीड वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएगी